प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ से देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा वर्ष 2023-24 कक्षा 12वीं हिंदी विषय का पूरा परीक्षा सिलेबस। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम ये जानने वाले हैं कि त्रैमासिक परीक्षा में आपके हिंदी विषय के कौन कौन से पार्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कक्षा 12वीं की तैयारी के लिए आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए कौन कौन पार्ट अच्छे से कंप्लीट कर लेना चाहिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मैं कक्षा 12वीं के समस्त विषयों के ऊपर सिलेबस के वीडियो बनाकर डाल चुका हूँ, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो आप सभी लोग यहाँ से अपने संबंधित विषय के वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि अगर आपको ये पता होगा कि त्रैमासिक परीक्षा में कौन कौन से पार्ट आपसे पूछे जा रहे हैं, तो इस आधार पर आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो प्लीज़ इन सभी वीडियोस को जरूर देख लें और आप आगे से इन्हीं पार्टों का अच्छे से रिवीजन जरूर करें। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं के आपके हिंदी विषय के पूरे सिलेबस को। तो देखिएगा, हिंदी का जो पेपर होगा इसको टोटली आपको 3 घंटे में करना होगा और इसके लिए पूर्णांक होगा आपका 80 नंबर का। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को, ताकि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ सके और आपको ये पता चल सके कि त्रैमासिक परीक्षा पेपर के लिए आपको कितना सिलेबस अच्छे से याद कर लेना चाहिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका त्रैमासिक परीक्षा वर्ष 2023-24 कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का सिलेबस। तो सबसे पहले हम आरओ पुस्तक को समझते हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपकी जो पुस्तक है जिसका कि नाम है आरओ भाग 2, इसमें से ये सबसे पहले काव्यखंड और गद्यखंड के अलग अलग पार्टों को हम समझते हैं कि कौन कौन से पार्ट इसमें आपसे पूछे जाएंगे। तो पहला पार्ट है जिसका कि नाम है आत्म परिचय एक गीत, ये आपको कर लेना है। ये अध्याय एक है जो कि हरिवंश राय बच्चन का पाठ है। इसमें 2 पाठ दिए गए हैं, एक तो आत्म परिचय और एक गीत। तो इन दोनों ही पाठों के प्रश्न उत्तर आप लोग याद कर लें। और इसमें से यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय भी आप लोग अच्छे से याद कर लें, ये भी आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अध्याय 2 की तरफ, जिसका कि नाम पतंग है। इसके लेखक आलोक धनवा है, तो आप लोग इस पाठ को भी अच्छे से याद कर लें, इसके कवि आलोक धनवा है। उसके अलावा अगला देखते हैं क्या लिखा है, अध्याय 3 जिसका कि नाम है कविता के बहाने बात सीधी थी पर, तो इसको भी आप लोग कर लें। इसमें 2 कविताएं दी गई है, एक तो कविता के बहाने और बात सीधी थी पर, इन दोनों को आप लोग अच्छे से याद कर लें। इसके प्रश्नोत्तरों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद में अगला पार्ट है जिसका कि नाम है अध्याय 4, जिसमें लिखा है कैमरे में बंद अपाइज, तो इस पार्ट का भी आप लोग अच्छे से रिविज़न कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं गद्यखंड को। तो देखिएगा, गद्यखंड में आपको क्या क्या करना होगा, अध्याय 1 है जिसका कि नाम है भक्तिन, इस पार्ट का रिवीजन आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। अब इसके बाद में अगला पार्ट देखते हैं कौन सा है, दूसरा पार्ट है इसमें बाजार दर्शन, इस पार्ट को भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये भी आपसे गद्यखंड में पूछा जाएगा। और उसके बाद में अगला देखते हैं काले मेघा पानी दे, गद्यखंड का है, तीसरा पार्ट है, आप लोग इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इसके बाद में अगला लिखा है यहाँ पर पहलवान की ढोलक, तो पहलवान की ढोलक पार्ट को भी आप लोग अच्छे से याद कर लें, इसके क्वेश्चन आंसर आप लोग अच्छे से पढ़ लें। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपको त्रैमासिक परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो चलिएगा, अब ये आरओ पुस्तक आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। काव्यखंड के ये पार्ट आपको कंप्लीट करना है और गद्यखंड के ये पार्ट आपको कंप्लीट करना है। अब इसके बाद में आ जाते हैं वितान पर। वितान जो आपकी पुस्तक है, इसमें 3 पार्ट आपसे पूछे जाएंगे। देखिएगा कौन कौन से होगा, पहला होगा सिल्वर वेडिंग, और इसके बाद में दूसरा पार्ट कौन सा होगा, जूझ, इसको भी आप लोग कंप्लीट कर लें। और उसके बाद में तीसरा पार्ट होगा अतीत में दबे पाँव, तो इन तीनों ही पार्टों को आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। अब इसके बाद में बात करते हैं व्याकरण की। तो देखिएगा, व्याकरण में से कौन कौन सी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी, आप सभी लोग यहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिएगा, व्याकरण में से रस होंगे, छंद होंगे, अलंकार होंगे, सार संक्षेपण होगा, विज्ञापन लेखन, संवाद लेखन, अनुच्छेद लेखन, भाव पल्लवन, पद्य साहित्य का इतिहास, इसके अलावा गद्य साहित्य का इतिहास, गद्य की विधाएँ, कवि परिचय, लेखक परिचय, आवेदन पत्र, अपठित गद्यांश या पद्यांश, शब्द शक्ति, शब्द गुण, इसके अलावा मुहावरे, लोकोक्तियाँ, शब्द के प्रकार, निबंध लेखन और संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या, इतनी चीज़ें आपकी व्याकरण के रूप में पूछी जाएगी। और इसके अलावा आ जाते हैं आपकी अगली पुस्तक जिसका कि नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति और माध्यम में से आपको ये टॉपिक कंप्लीट करने होंगे। पहला लिखा है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, उसके बाद में दूसरा टॉपिक क्या लिखा है, पत्रकारी लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, उसके बाद में कैसे बनती है कविता और नाटक लिखने का व्याकरण, और कैसे लिखे कहानी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, आप सभी लोग इनको अच्छे से कंप्लीट कर लें। जो जो भी चीज़ें मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बताई गई है, आप लोग इस आधार पर तैयारी कीजिएगा
ये आपका पूरा का पूरा त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस है, आप सभी लोग इसको अच्छे से कंप्लीट जरूर कर लें। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।